हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हंडर। मंगलौर में चुनाव चल रहा है, इसमें आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। सर जाने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप कि कैसा माहौल है फिलहाल में? बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन यहाँ पर जो सुनने में आया था कि फिलहाल में कि यहाँ पर आज तक जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद बीजेपी यहाँ कह रहे पैर नहीं पसार सकी है, तो क्या लगता है कि सर इस बार बीजेपी आएगी? सर इस बार इतिहास बदलेगा और मंगलौर में जो इतने वर्षों से जो 24 साल का कीचड़ है उसमें कमाल उगेगा। दो मिनट रखूंगा सर। 2006 के बाद आपसे मिल रहा हूँ, कृषि मंत्री थे जब से आप। सर एक मिनट बस रोकूंगा सर, 2 मिनट के लिए। सर अभी फिलहाल के दौर पे क्या आंकड़े समझ में आते हैं, क्योंकि आंकड़ा जो हम गांव-गांव में जा रहे हैं, नो डाउट ग्रामीण क्षेत्र तो दिखा बीजेपी के साथ जा रहा है, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा सा बूथ लेवल के जो लोग हैं वो थोड़ा हमने देखे कमजोर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी हमें है सबको ठीक कर लिया जाएगा और इसीलिए तमाम तरह की जो मीटिंगें हो रही है और समाज के साथ बैठना हो रहा है उसका एक अच्छा परिणाम कार्य होगा। ठीक है, चैंपियन साहब से पूछेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं आपसे पूछेंगे सर, आपका दबाव बहुत अच्छा खासा है, लोग अच्छा खासा आपको, मैंने पूछा है कई बार चैंपियन साहब का नाम बहुत कुछ चल रहा है, क्या कहेंगे सर? जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम समाज है, वो थोड़ा बिखर रहा है। देखिए ऐसा नहीं है खाली एक मुगालता फैलाया जा रहा है, आज से हमने इफ्तिता कर दी है और देखिएगा हफ्ते भर में आपको इसमें हम चेंज दिखा देंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज की जितनी बिरादरियां हैं उन सबका मुझसे संपर्क है। ज्यादातर किसान कौम है, गरीब लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? अपना फायदा। सरकार हमारी है, डबल इंजन की है, तो जहां फायदा मिलेगा वहां आओ ना, पहली बार उत्तराखंड में बीजेपी का विधायक जिताओ ना। बहुत लोगों ने कहा है कि चैंपियन साहब को भी लाइए आप, तो नो डाउट आप बता रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप दिल्ली से इलाज चला था, कब फील्ड में कब उतरेंगे? फील्ड में कब से? पूरा 8 तारीख तक पूरी तरह जोर लगाऊंगा। यहीं रहेंगे सर? जी आपकी टीम भी सर यहीं रहेगी? बिल्कुल सब साथ रहेंगे। तो देखिए इस तरह लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं फिलहाल के तौर पर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे, आप बता दूं, और 4 बार के विधायक रहे हैं कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन, वो ऑलरेडी लगातार इनका अपना दबदबा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं माहौल को, कोशिश की जा रही है किस तरीके का माहौल है वो यहाँ तलाशने की कोशिश की जा रही है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि माहौल तलाश सकें कि भैया किसके पक्ष में क्या चल रहा है। तो आप देखिएगा बीजेपी जीतेगी 100%, माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, इस बार जनता भी चाहती है बदलाव हो, और इस बार कांग्रेस हाजी काजी कोई नहीं रहेगा, केवल श्री करतार सिंह भड़ाना। भैया जी सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ मुस्लिम वोटर किधर है? जी मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ जा रहा है। अच्छा पहले हूटर की आवाज देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा रुबाव है, प्रभाव हो रहा है इस चीज से, चलेगा। तो अभी लगातार कहाँ, कौन से गांव से आप सर? मैं कस्तमपुर बुड्ढाड़ी। अच्छा ये मंगलौर से ही है? जी नहीं मंगलौर से बाहर रहो। अच्छा तो आप अभी क्या लगता है मंगलौर विधानसभा से किस तरीके से है, क्योंकि मुस्लिम वोटर का सुनने में आया कि थोड़ा बिखराव हो रहा है इधर उधर, थोड़ा सा तो समझाने का है? देखो ऐसा अब कहते मतलब जुड़ाव हो रहा है जी। अच्छा हाँ अब तक जुड़ाव हो जुड़ा माहौल किसका चल रहा है मंगलौर में? माहौल इन्हीं का चल रहा है, करतार सिंह भड़ाना जी का। जी जी ठीक है, पूछेंगे कुछ और वहाँ आपके समाज के लोग हैं और उनसे ही पूछेंगे किस तरीके का माहौल है। चचा मंगलौर में माहौल किसका है यहाँ पर? अरे आप ही बताओ ना चचा, मंगलौर में माहौल किसका है? बढ़ाना जी का। बढ़ाना जी का, बढ़ाना जी का माहौल। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताओ, जो सुनने में आया है यहाँ बता रहे थे कि थोड़ा मुस्लिम वोटर थोड़ा सा इधर उधर है, वो सोच रहे हैं कि हाजी काजी के साथ है या फिर पता चल रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा क्या परसेंटेज रहेगी यहाँ पर? आपने देख लिया कि सारे 39 के 39 बूथ अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, ये वोट दिलवाने के लिए आए हुए यहाँ पर। अच्छा बस तो अभी तक जो उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पर बीजेपी नहीं आई, इस बार लग रहा है कि नया चेहरा आएगा? बिल्कुल आएगी, हाजी काजी का किला ढहेगा। बिल्कुल ढहेगा, लोगों ने कहा है कि 25 साल की गुलामी से आजादी चाहिए इस बार। बिल्कुल होगी आजादी, बदलाव चाह रही पब्लिक। क्या शुभ नाम है जी? इब को पब्लिक बदलाव चाह रही। अच्छा हाँ बदलाव चाह रही, इब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, करतार की सरकार। अच्छा, जी अब की बार लोग कह रहे हैं करतार की सरकार, कुछ ने कहा कि 25 साल कि कुछ ने कहा कि 25 साल की गुलामी से आजादी चाहिए इस बार, तो देखेंगे 10 तारीख की वोटिंग बताएगी कि किसका पक्ष किसके बनाएगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।